लगा देंगे। भाग दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें तड़का काट के रखा हुआ है। दोस्तों ये क्या है आप लोग देखिए, ये है लहसुन का पत्ता और ये है हरी मिर्च। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे तेल और हम कुछ बनाएंगे। दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं, हमने तेल डाल दिया, अच्छे से गर्म हो रहा है दोस्तों हमारा तेल। आज हम बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग को हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है, ये देखिए दोस्तों ये है साग। ये दोस्तों बहुत अच्छा साग है, बहुत बढ़िया। हम इसका नाम भी आप लोगों को बताएंगे क्या है, हम आज बना रहे हैं। ये दोस्तों सुबह टाइम का खाना है, तो हमने आज सुबह में क्या क्या बनाए हैं आप लोग को हम बताते हैं क्या क्या बनाए हैं। अभी हमारा तड़का अच्छे से हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने ये चपाती बनाई है, बहुत मस्त रोटियाँ। दोस्तों ये जल गई, क्या करें, और अच्छी है। देखिए दोस्तों हमने रोटियाँ बना लिया है और दाल भी फ्राई कर दिया है। अब हम ले लिया है सरसों का साग, इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, हम इसी तवा में चपातियाँ भी बना लिए और इसी तवा में दाल का भी तड़का लगा दिया और इसी तवा में साग भी बना ले रहे हैं, क्योंकि हमारा साग पहले से उबला हुआ था तो इसको थोड़ा पकाना है बस, और तो पहले से पका हुआ है। हम इसको थोड़ा ढक देंगे, ये अच्छे से गर्म हो जाए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, और हमने बना रखा है चावल। दोस्तों हमारा खाना सारा बन चुका है, अब हम इसको निकाल ले रहे हैं। हमने निकाल लिया चावल और इसमें दाल निकाल लेते हैं। दाल हमारी बहुत अच्छे से पकी हुई है दोस्तों, आप लोग दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल में। हमने दाल निकाल लिया, हमने रोटियां निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी रोटियां भी निकल गई। अब हम साग को देख ले रहे हैं अच्छा से पक गया कि नहीं। हमारा साग बहुत अच्छे से पक गया है, हम गैस को कर रहे हैं बंद और हम इसी प्लेट में साग को निकाल लेंगे थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, हमारा खाना बनके रेडी हो चुका है। दाल चावल और रोटी और सरसों का साग, जिसको जिसको खाना पसंद है आइए हमारे घर खाइए, क्योंकि ठंडिया में तो सरसों का साग खाने में अलग ही मज़ा होता है दोस्तों। खाना हो तो आ जाइए हमारे घर।